हेलो भाई, मैं गुप्ता। तो अभी ना अपने पास मतलब कुछ अलग सा कंटेंट है, मतलब कुछ अलग सा। अभी इस वीडियो को आप लोग जैसे कि देख लिए होंगे थंबनेल और टाइटल से कि किस बारे में वीडियो है। ये गाड़ी अपने कार के ऊपर नहीं है, बेसिकली अपनी जो बाइक है सुपर स्प्लेंडर, इसके लिए मतलब कि हमको एक लाइट मिला हुआ है तो उसी को इसमें इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर है। उससे पहले थोड़ा सा मतलब थोड़ा वीडियो से हटके मैं आपको बात बताता हूँ। अभी मुझे गूगल की तरफ से एक कोरियर आया है जो कि ये जो अपना एडसेंस वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी वही दीपावली में अपने चैनल का जो फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स होता है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया, वरना ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता। तो अभी हम लोग देखते हैं इस गूगल एडसेंस के अंदर मतलब इसके अंदर क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सब मैं दिखा देता हूँ। वैसे मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे यार ये बहुत ही मतलब कॉमन सा चीज़ है, सबके साथ होता है, लेकिन भाई जो पहला मतलब चीज़ होता है उसका बात ही अलग है। जैसे कि अब मेरे लिए ना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। अभी यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं ऐसा मतलब पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये सब है कुछ गूगल एडसेंस इधर लिखा हुआ है। ये आता है अपना जो पोस्ट ऑफिस से, उससे मतलब कोरियर किया जाता है। तो अभी इसको करते हैं ओपन और देखते हैं अंदर क्या है। अब मेनली ये जहाँ तक इसके अंदर एक पिन होगा जिससे हमारा जो एड्रेस होता है वो वेरीफाई होगा, और एड्रेस वेरीफाई होने के बाद हमारा जो एडसेंस है उसका अकाउंट एकदम कम्प्लीट हो जाएगा। तभी ये बोला गया यहाँ यहाँ से खोलने के लिए, वैसे दो ही तरफ से खोलने के बाद आ गया। इसमें तो बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पिन है और कुछ भी नहीं है। अब मैं पिन आपको दिखा नहीं सकता तो पिन हाइड करके आपको मैं दिखाता हूँ, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, मतलब जो अपने नाम से पहला चीज़ आता है उसकी बात ही अलग है। अब इसलिए एक पिन है मतलब, तो ठीक है, मुझे लगा कि वीडियो इस बार बनाना चाहिए था। बाकी इस बार 1K पे तो केक कटिंग नहीं किए हुए हैं, क्योंकि यार जब 1K हुआ ना तब मैं थोड़ा अलग था, मतलब थोड़ा बाहर था, और उसके बाद में आते थे टाइम लगा गया। लेकिन 10K पे जरूर केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। बाकी जब 100K मतलब अपना सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा हो जाएगा तो एक गिव अवे भी रखेंगे, बहुत ही अच्छा गिव अवे होगा, उसके बारे में आगे बता दूंगा इन फ्यूचर। अभी जो अपना मेन टॉपिक की वीडियो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास जो लाइट है वो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मतलब रिव्यू यूनिट है, मुझे रिव्यू यूनिट रिव्यू करने के लिए मिला हुआ है ये प्रोडक्ट। और उन्होंने मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने फ्लिपकार्ट से भेजा है रिव्यू यूनिट, कौन भेजता है यार फ्लिपकार्ट से। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो है प्रोडक्ट। तो ये है अपना प्रोजेक्टर लाइट, आप इसको ना एज अ फॉग लाइट भी यूज कर सकते हैं अपनी कार में भी। अभी इसको साइड रख लेते हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्टर लाइट यूज़ करना हो तो आप कार में भी इसको लगा सकते हैं एज अ फॉग लाइट, और अगर आपको मेन यूज़ करना है बाइक में तो बाइक में आप अपना यहाँ पर लगा सकते हैं, जो आपका यहाँ पर होता है मेन हेडलाइट, यहाँ पे आपका लग जाता है। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कंप्लीट इंस्टॉलेशन। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, प्लास्टिक थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है ये, प्लास्टिक हटने के बाद ये जहाँ तक ओपन हो जाता है, इसको ओपन करके देखते हैं। बस इतना ही, मैंने जहाँ तक सोचा था। अभी मैं इसको थोड़ा दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसा इसका रिस्पांस है। अगर ये अच्छा लगा तो हम लोग रखेंगे, वरना फिर इसको रिटर्न कर देंगे, नहीं चाहिए अगर नहीं अच्छा लगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे LEDs लगे हुए हैं इसका अलग कलर आएगा, इसका अलग कलर आएगा। और जो मैं अपना बताता हूँ मतलब जो अपना जो मेन लाइट हो गया वो ये है प्रोजेक्टर में लो एंड हाई बीम। अगर इसका जो मेन थ्रू है ये अच्छा लगा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, वरना फिर इसका ब्लफ चेंज कर देंगे। अगर इसका अंदर का ब्लफ चेंज हुआ LED नहीं चेंज हुआ तो इसको रिटर्न कर देंगे, बेसिकली उनको वापस दे देंगे। क्योंकि रिव्यू में सच्चाई बताना अच्छा होता है, सच्चाई बताऊंगा जिसका ये मतलब जैसा रहेगा थ्रू। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा देखेंगे। अभी मैं आपको चलता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए, अभी चलते हैं। यहाँ पर आप इसको ना किसी भी लोकल शॉप से इंस्टॉल करा सकते हैं, उसके लिए आपका पूरा का पूरा ये पार्ट खुलेगा और जो मेन लाइट है उसको पूरा अलग किया जाएगा, उसके अंदर से होगा ये फिटिंग, ऐसे खोल के लगा देंगे। तो अभी देखते हैं इसका क्या रोशनी है। तो पहले चलते हैं किसी शॉप पे, वहाँ पे करवाते हैं इसका इंस्टॉलेशन। हम लोग आ चुके हैं इसके टेस्टिंग के लिए, जो मेन लाइट का टेस्टिंग होता है वो तो पहले करेंगे। अपने बाइक में इंस्टॉल कराने से पहले सबसे पहले मुझे टेस्टिंग की जरूरत थी, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करने के बाद ही कुछ भी बाइक का खुलवाना सही लगा। क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता अगर ओरिजिनल पार्ट खुलवा दो और फिर प्रोडक्ट भी ना अच्छा लगे तो बेकार चला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक LED है। अब ये एक LED ध्यान से देखेंगे तो ये एक LED कितना ही रोशनी दे देगा, मुझे तो नहीं लगता ये बेकार ही जाएगा। तो अभी पहले चेक करते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, इससे हम चेक करेंगे। बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि ये जो है रेड लाइट और वो वाला ऐसे ही फिट कर देना है, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो पहले हम इसको सेट करते हैं, ऑन हो चुका है, जैसे कि ये अपना मेन हो गया पूरा, इसमें सेटअप ऑन है। इसमें ये लो बीम पे इस समय है। यहाँ पर यार मतलब जो जो साइड का है ये ब्लू और रेड काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम एक नंबर है। लेकिन जो मेन लाइट हो गया देख लो थ्रो यार, क्या है थ्रो, टॉर्च कितना थ्रो है। इसको अगर हम अपने हेड लाइट में लगाएंगे क्या ही थ्रो रहेगा इसका। एक बार इसको हाई बीम पे करते हैं, हाई बीम पे करिए, ये भी लो बीम पे। अब इसको स्विच करते हैं हाई बीम पे, फिर देखते हैं क्या फोकस है, फिर से करना एक बार। अब ये एक बार करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब जल्दी लगेगा, और फिर एक बार करेंगे तो ये हाई बीम पे आ जाएगा।
ये आ गया हाई बी पे। यार क्या रिस्पॉन्स है, कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। आप लोग बिल्कुल भी मत मंगाइएगा इस प्रोडक्ट को। और मेरे पास भी रिव्यू यूनिट था, मैंने भी कोई परचेज नहीं किया है, तो रिव्यू यूनिट था, मैं भी इसको वापस ही कर दूंगा। अभी जो येलो है इसको एक बार सेट करते हैं इस पर और देखते हैं क्या है। ब्लैक रेड वाला हटा के येलो वाला लगा के देखते हैं। तो खाली आपका रिंग लाइट जल जाएगा। तो बेकार है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है प्रोडक्ट। मैं पर्सनल मतलब अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत मंगाइएगा इस प्रोडक्ट को। अब जैसे कि ये तो था, मुझे रिव्यू यूनिट मिला हुआ था, मैं इसका तारीफ भी करके आप लोग को बता सकता था कि यार ले सकते हो, मुझे फ्री में मिल जाता प्रोडक्ट। लेकिन नहीं, मुझे अपने व्यूअर्स के साथ धोखा नहीं करना है, मत मंगाइएगा। मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, इन लोगों को वापस कर दूंगा, मुझे इनका स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, बेकार है प्रोडक्ट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो। वीडियो अच्छा होगा लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिंग लाइट, बेकार है, मंगाइएगा मत। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।